हेलो। चलिए तो जानते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले लोगों में शामिल हो जाए तो हमारे साथ में क्या क्या बुरी चीजें हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है इजी टू ट्रिक, जिसे हम कहते हैं बेवकूफ बनाना। अगर आप हर किसी की बात पर भरोसा करना शुरू कर दो, चाहे वो सही हो या गलत, तो बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं झूठी झूठी बातें बोलकर। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर रॉन्ग डिसीजन, यानी के गलत फैसले। जब आपको सच्चाई ही नहीं पता होगी तो आप किस तरह से सही फैसले ले सकते हो? गलत मालूमात की बुनियाद पर गलत फैसले ही लिए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तहकीकात करके सोच समझ कर फैसले लेना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है हमारा हर्ट फीलिंग्स, यानी तकलीफ पहुंचना। अगर आपके फैसले गलत होंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अटकना पड़ेगा, मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, जिससे कि आपको तकलीफ पहुंच सकती है। चौथा है नो लर्निंग, यानी कि आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बताओ कैसे? अगर किसी ने आपको आके बताया कि फला फला चीज ऐसी है, ओके, आपने यकीन कर लिया, ठीक है। किसी और ने आके बोला आपको ये चीजें ऐसी, आपने यकीन कर लिया, ठीक है। मगर अगर आप खुद उस चीज को करोगे तो आप सीखोगे कि वो क्या है, कैसे है, और फिर यकीन होगा आपको कि ठीक है, वो चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। अगर हर बार आप हर किसी की बात पर यकीन कर लोगे तो खुद कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। और पांचवा पॉइंट है टू डिपेंडेंट, यानी कि बहुत ज्यादा दूसरों पर मुनहसिर हो जाओगे। क्योंकि अगर जब आप दूसरों की बातों पर भरोसा करने लगोगे तो आपको हर वक्त इस बात का आपको इंतजार करना होगा कि कब कोई आकर मुझे कोई बात बताए और फिर मैं आगे कुछ काम कर पाऊँ। इसलिए कहते हैं कि खुद करो और खुद की बात पर भरोसा रखो। इसीलिए ज्यादा किसी पर भी हमें भरोसा करना अच्छा नहीं, हर कोई बात को बगैर तहकीक के मान लेना अच्छी बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तकलीफें पहुंच सकती है। तो हमेशा ऐसे नहीं कि मतलब किसी बात को ना मानो, बट कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी हमें खुद जाकर चेक करना जरूरी होता, पता करना जरूरी होता, तहकीक करना जरूरी होता है, जब जाके उन बातों पे हम लोग यकीन कर सकते हैं या यकीन करना चाहिए।